हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल पेंटोमैथ। दिस इज प्रवीण शर्मा और इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, मैं बीएआरसी के जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो इंटरव्यू होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं कि बीएआरसी का जो इंटरव्यू होता है उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उसकी एक सीरीज बना रहा हूं, जिसमें क्या होगा कि हर एक वीडियो में किसी एक बंदे का एक्सपीरियंस होगा, मतलब उससे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो उस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो वो सीरीज स्टार्ट करने से पहले कुछ जनरलाइज इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए। तो चलो डिस्कस करते हैं क्या क्या वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर मैं बीआरसी के इंटरव्यू की बात करूं, ठीक है, तो इसका जो ड्यूरेशन होता है, इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन है वो अराउंड 1 आवर से लेके 1.5 आवर के बीच में वेरी होता है। किसी किसी केस में ये भी देखने को मिला है कि ये जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन है ये 2 घंटा भी चला हुआ है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है, डिपेंड करती है, वो रेयरली होता है, बट एवरेज जो ड्यूरेशन होगा वो 1 घंटे से 1.5 घंटे के बीच का होगा। ठीक है, ये सबसे पहली बात। दूसरी चीज, आप जैसे ही इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे आप देखेंगे कि जो पैनल होगा, ठीक है, इंटरव्यू पैनल, उसमें अराउंड 6 to 7 पीपल्स होंगे। ठीक है, जिसमें से 1 पर्सन जो होगा वो साइकोलॉजिस्ट होगा एंड बाकी जो मेंबर्स होंगे, मान लो अगर 7 लोग हैं तो उसमें से 1 साइकोलॉजिस्ट होगा एंड जो 6 होंगे वो होंगे साइंटिस्ट। और ये जितने भी साइंटिस्ट होंगे ये अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट साइंटिस्ट होंगे, मतलब जितने भी रहेंगे सब एकदम एक्सपीरियंस, पीएचडी किए हुए, पोस्ट डॉक किए हुए, तो एकदम एक्सपीरियंस लोग होते हैं वहां पे। तो ये चीजें होंगी। अब उसके बाद जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो यही होगा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा, जिसमें आप अपनी हॉबीज के बारे में बताएंगे, वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, इंटर्नशिप के बारे में बताएंगे। ठीक है, और ये जो भी इंट्रोडक्शन होगा ये कभी कभी ये भी डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा आपका इंट्रोडक्शन, एक जस्ट फॉर्मल टॉक होगा, जैसे कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, आपने इंजीनियरिंग कहाँ से की, आप जॉब कौन सी जॉब कर रहे थे, आपने क्या क्या किया, एक नॉर्मल टॉक होगा सो दैट कि आप कंफर्टेबल हो जाए, एक नॉर्मल टॉक, आपको मतलब आपको फील ही नहीं होगा कि वो एक इंटरव्यूअर है, आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये तो अपने फ्रेंड है, मतलब एकदम फ्रेंकली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एकदम फ्रेंकली। ठीक है, और उसमें लैंग्वेज बैरियर भी नहीं होता है, आप चाहे तो इंग्लिश में भी दे सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी दे सकते हैं, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप इंटरव्यू दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है इंट्रोडक्शन के बाद कि योर फेवरेट सब्जेक्ट, वो आपको इसमें बताने हैं। जनरली क्या होता है कि जो फेवरेट सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो 4 to 5 होते हैं, बस मोस्टली देखा जाए तो 4 ही पूछे जाते हैं कि टेल मी योर 4 फेवरेट सब्जेक्ट। और अगर हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो मोस्ट कॉमन जो सब्जेक्ट ज्यादातर लोग बताते हैं उसमें सॉम होता है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, ये कॉमन है, मोस्ट ऑफ द पीपल यही बोलते हैं। और बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है आप वो बता सकते हैं। ये सब कॉमन चीजें हो गई। और इसके अलावा आप मटेरियल साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग, इनका आप बेसिक देख लेना, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि आपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट प्रिपेयर किए वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी आप क्या दूसरे सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं, क्या आपको उसका बेसिक नॉलेज है, तो वो सब चीजें भी आप देख लेना। ठीक है, वो आप कर लेंगे तो आपका प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि रैंडम क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और अगर आपने उसका आंसर दे दिया तो वो आपका प्लस पॉइंट होगा। अब दूसरी चीज, ये जो फेवरेट सब्जेक्ट आपने बताए हैं, ठीक है, जो भी आपने बताया, क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने जो आपका प्रोजेक्ट किया हुआ है आपने फाइनल ईयर का, ठीक है, मैं बोलता हूं कि बीई का जो प्रोजेक्ट किया है। दूसरा चीज, वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका कहीं वर्क एक्सपीरियंस है। और तीसरी चीज, इंटर्नशिप,
तो ये जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका जो कंसेप्ट होगा वो इसी फेवरेट सब्जेक्ट से होगा, लेकिन वो इन सब से भी रिलेटेड हो सकता है, उसी वर्क एक्सपीरियंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा जहां पे आपके जो आपने जो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं उसका कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सब पॉसिबिलिटी है इसमें। और दूसरी चीज, आप जो भी आंसर देंगे, ठीक है, मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो आप ये मत करना कि आप कुछ भी बोल दो आंसर, आप रॉन्ग आंसर मत देना। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीधे बोल सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कि सॉरी सर आई डोंट नो, चलेगा, ठीक है, कुछ में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने घुमाना चालू किया कि मतलब कुछ भी लाओ, चलो कुछ भी घुमा देता हूं, तो वो आप सोचना भी मत, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने एक्सपीरियंस और सीनियर साइंटिस्ट हैं तो उनको नॉलेज भी उतना ज्यादा होगा, तो आप अगर घुमाएंगे तो आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। तो सिंपली अगर आपको आता है तो बोल दीजिए आंसर, और नहीं आता है तो बोल सकते हैं कि सॉरी सर आई डोंट नो, या अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है तो आप क्या करें, जो भी आपके पास आइडिया है वो एक्सप्रेस करें। और वो लोग क्या करेंगे, जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। आप अगर कुछ भी अपनी तरफ से ट्राई भी कर रहे हैं तो वो आपको हिंट देते रहेंगे, और उस हिंट से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आपके पास साइंटिफिक टेम्परामेंट है कि नहीं, मतलब आप एज अ साइंटिस्ट सोचते हैं कि नहीं, क्या मतलब ऐसे ही कुछ भी इलॉजिकल आंसर दे दिया, वैसा नहीं चलेगा। आप जो भी आंसर दें वो मतलब एक लॉजिकल आंसर होना चाहिए, उसमें थिंकिंग होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी रैंडम नहीं फेंक दिया कि हाँ चलो यार ये आ गया, हाँ चलो ये बोल दो। अगर आपको आता है तो आप बताइए, और जो भी आंसर दें उसमें एक लॉजिकल आंसर दें। और इसके अलावा एक और बात बोलना है कि जो भी आप आंसर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें आप अपना अप्रोच सही रखें, क्योंकि अप्रोच बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि आप फाइनल आंसर तक पहुंचे, लेकिन आपका जो अप्रोच है वो करेक्ट होना चाहिए। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा कि आप जो भी आंसर दें वो सोच समझ के दें, क्यों, क्योंकि जो भी आप आंसर देंगे उसके ऊपर ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंड होगा। तो आप ऐसे ही आंसर देना मतलब जिसमें अगर आप किसी टर्म का यूज कर रहे हैं तो वो टर्म और उसकी डेफिनेशन वो आपको पता हो, उसका कंसेप्ट पता हो, नहीं तो आपने कुछ भी बोल दिया और अगर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के ऊपर कंटिन्यू आ गया कि हाँ व्हाट इज दिस, तो आप फिर वहां पे फंस जाओगे, ठीक है। तो आप अगर ध्यान से देखा जाए ना, तो ये जो इंटरव्यू होगा ये पूरा का पूरा आपके हाथ में डिपेंड करता है कि मतलब आप किस तरीके से इस इंटरव्यू को डाइवर्ट कर सकें। और बीच बीच में अगर आप कहीं अटकेंगे तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, बीच बीच में आपको हेल्प करते रहेंगे ताकि आप जो है करेक्ट आंसर दे सकें, ठीक है, आपको बीच बीच में हेल्प की जाएगी। तो बस इतना ही है, इतना ही मुझे बताना है, और ये था जनरलाइज इंफॉर्मेशन। अगर एक बार आपको ये पूरी जनरलाइज इंफॉर्मेशन पता चल गई तो आप आराम से जो है क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हैं। इस वीडियो को यही फिनिश करते हैं, और अगर आपको कुछ डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को जरूर पोस्ट कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज अर्ली एज पॉसिबल। और अगर आपको कुछ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप www.mechanicalpentomath.com पे जा सकते हैं, ये हमारी वेबसाइट है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखी है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, इतना तो बनता है यार, थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है अपना, और आपके लिए नई नई वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी मैं नई वीडियोस लेके आ रहा हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।